आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। आज हमारी टीम पहुंची है जादो मंडी औरंगाबाद के अंदर। अभी तीन दिन पहले एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, जिसके अंदर आपने देखा व्हाट्सएप के ऊपर के एक यहाँ के जो व्यापारी है यहाँ के जादो मंडी के, वो पार्किंग के एक बंदे के साथ में यहाँ पर लड़ रहे थे। काफ़ी सारी चर्चाओं में वीडियो रहा, उसके बाद में हमारी टीम आज अब यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं ये पार्किंग की जगहें हैं, आप जहाँ तक ये नजरें जा रही हैं ये पार्किंग की जगहें हैं। जैसे कि आपने देखा हर जगह की एक पार्किंग का एक वो होता है कि पार्किंग अक्सर बाहर होती है, लेकिन जादो मंडी का ऐसा हाल है जहां पर लोग खरीदी कर रहे हैं, लोग यहां पर बेच रहे हैं, वहीं पर ही इसकी पार्किंग है। पार्किंग की जगह अक्सर हमने बाहर देखी है। और एक चीज़ ये बताई गई है, यहां से हम लोगों से मालूम किया कि रोड है जो यहां से जाने आने के लिए रास्ता बनाया जाता है। सुबह में यहां के व्यापारी से जब हमारी बात हुई, जब उनको पता चला कि जब यहां पर माल सुबह के वक्त आता है तो अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं होता, काफी सारे लोग यहाँ पर रोडों पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं, हम आगे आपको और लेके चलते हैं, आगे बताते हैं। पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हर जगह की पार्किंग बाहर होती है, लेकिन जादो मंडी के अंदर ऐसा है जहाँ पर खरीदी हो रही है वहीं पर ही यहाँ पर पार्किंग बनाई गई है। और आगे चलते हैं, लोगों से हम ये भी जानेंगे और देखेंगे भी कि कहाँ पर, और अभी गंदगी के बारे में आपको हम बताएंगे। ये गंदगी लो पूरी है, गंदगी। जैसा कि आपने देखा अभी पार्किंग का ये हाल है यहाँ पर कि लोग अक्सर पार्किंग बाहर की तरफ होती है, यहाँ पर अंदर की तरफ है। और आप यहाँ पर ये देखिए, लोग पूरे यहाँ पर रोडों पर बैठे हैं, जबकि माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के हाथ से यहाँ पर बहुत जोरों शोरों से इसकी ओपनिंग की गई थी कि सारी दुकानें वहाँ पर लगाई जाए और ये रोड जो आने जाने का रास्ता है इसको क्लियर किया जाए। और सारी सियासी पार्टियाँ सारी जो है नेता लोग इस बात में सिटी को जो है डेंगू से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सिटी से 2 किलोमीटर अगर आगे आते हैं, यहाँ जादो मंडी आप देख रहे हैं, इतनी गंदगी आप देख सकते हैं। सारा औरंगाबाद सिटी, बल्कि औरंगाबाद के हर एक नागरिक डेंगू से बचना चाहते हैं। और कई यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कई लोग डेंगू के शिकार भी हो चुके हैं। और अब ये गंदगी देखिए, ये गंदगी से डेंगू बचेगा या फैलेगा? तो हमारी सारे पार्टियों के नेता लोगों से ये अपील है और कि आप आइए और इस गंदगी को बचाइए। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं जो सुबह में माल लेकर यहाँ पर आते हैं, ये गर्दी की वजह से ना ही वो गाड़ियाँ बाहर निकल सकती हैं और ना ही इस यहाँ से बाहर निकल कर अपने अपने रास्ते जा सकती है। तो ये भी हमारी यहाँ से अपील है बहुत ज़्यादा समिति से कि इसको क्लियर किया जाए और ये गंदगी को साफ किया जाए कि औरंगाबाद शहर यहाँ पर डेंगू से जूझ रहा है, उसको आप लोग बचाएं। जैसा कि हम आपको बताया कि यहाँ पर माजी मुख्यमंत्री फडणवीस साहब के हाथ से जो यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, लोगों के लिए यही वो संकुल है। आप देख सकते हैं कि सारे जो लोग आज रोड पर बैठे हैं इनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है कि गंदगी को किस तरह से रोका जाए और जो आने जाने का रास्ता है इसको क्लियर किया जाए। यहाँ पर जो बाजार समिति है ना, उनके किसी तरह से यहाँ पर जो साफ सफाई का निजाम है और ना ही यहाँ पर कोई पार्किंग का उनका कोई एक वो बनाया गया है, ना ही पार्किंग यहाँ पर सही है, ना ही गंदगी का यहाँ पर कोई एक निजाम बनाया गया है। सारी गंदगी आप देख सकते हैं रोडों पर पड़े हैं, जानवर यहाँ पर सारे रोडों पर घूम रहे हैं आवारा की तरह। और उसके अलावा आपने ये देखा कि जो रोड पे लोग बैठे हैं, सारी गंदगी यहीं पर रोड पर छोड़ के जाते हैं। सारा औरंगाबाद शहर डेंगू से परेशान है और इस गंदगी जब लोग सारे यहाँ पर आते हैं तो सारे गंदगी साथ लेकर जाते हैं। तो ये संकुल बनाया गया था, यहाँ से हमारी बाजार समिति से ये अपील है कि किसी तरह से इसको देखे, इसकी तरफ ध्यान दे। और जो वीडियो वायरल हुआ था पूरी तरह से एक तीन दिन पहले व्हाट्सएप पर जो वायरल हुआ था, उस शख्स को हम ढूंढने में कामयाब हो गए, वो हमारे साथ आज मौजूद है, उनसे हम कुछ बात करेंगे। सब आप आगे आइए, एक मिनट देखिए। तीन दिन पहले आपका व्हाट्सएप के ऊपर एक काफ़ी सारा यहाँ का एक पार्किंग के साथ जो आपकी लड़ाई हो रही थी, एक वीडियो वायरल हुआ है, तो पूरी तरह से हमको बताइए कि क्या 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 बात थी आखिर जिसकी वजह से आपका ये सब चल रहा था। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ औरंगाबाद अपडेट वालों का कि उन्होंने हमारी एक बहस को और ये गलत होने वाले काम को जो हमने व्हाट्सएप पर वायरल करे थे, तो आपने उस पर ध्यान दिए और यहाँ तक आए और एक अच्छे काम किए। आपने भी हमारे साथ मदद करने की कोशिश करें, तो वो बात ये है कि यहाँ पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है और यहाँ पर पार्किंग का पैसा रोज़ाना हर गाड़ी से 10 रुपये वसूल किया जाता है, 10 रुपये, और कोई गाड़ी से 20 रुपये और टू व्हीलर वालों से 5 रुपये इस तरीके से, जबकि पार्किंग के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, कहीं पार्किंग की कोई जगह नहीं है, कहीं बोर्ड लगा हुआ नहीं है, और वो उन गाड़ियों की देखभाल करने वाला पार्किंग के अंडर में कोई ऐसा उनके पास आदमी भी नहीं है, सिर्फ वो पैसा वसूल कर रहे हैं। और उनको बोला, मैंने जब उनसे सवाल किया कि आपकी जब पार्किंग नहीं है तो पैसा किस बात का ले रहे, तो वो बोल रहे सब दे रहे आप भी दो, यानी धतिंग करने वाले दादागिरी करने वाले लोगों को वहाँ पर खड़ा किया गया और वो लोग धतिंग करते हैं और पार्किंग का कोई नज़्म नहीं। बेचारे गरीब हाइटों वाले 50-60 रुपये का, 100 रुपये का, 80 रुपये का भाड़ा ले जाते हैं, उसमें से 10 रुपये रोड टैक्स वाला ले लेता है।
और 10 रुपये पार्किंग वाला ले लेता है, वो 80 रुपये के भाड़े में और 60 रुपये के भाड़े में क्या गुजर बसर करेगा। इस वास्ते मेरी आप लोगों से विनती है कि मेरा ये मेरी जो बात है ये आप हमारे आमदार साहब तक और हमारे शहर के समीर बिल्डर साहब और हमारे एमपी खासदार इम्तियाज़ जलील साहब तक ये बात पहुँचाइए। मैंने उनके पास जाने की कोशिश भी किया, एक मरतबा मीटिंग के लिए गया था लेकिन वो अर्जेंट में थे। मैं इस ताल्लुक़ से उनको संजीदगी से बात भी करना चाहता था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ खासदार इम्तियाज़ जलील साहब से कि एक मरतबा जिस तरीके से आप दीगर मकामात पर विज़िट देते हैं, इस तरीके से आप एक मरतबा इस मंडी में भी विज़िट दे और ये मंडी का क्या हाल चाल चालू है, क्या यहाँ लूटमार चल रही है, इस पर भी ध्यान दे। रोडों का कोई इंतज़ाम नहीं है, यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए फ्रूट लाइन से गेट तक अंबेडकर चौक तक जाने के लिए आधे से पौना घंटा लग जाता है, इतनी थोड़ी से रास्ता क्रॉस करने के लिए। तो मेरा ये बोलना है कि ये रोड को एक मरतबा क्लियर किया जाए, ये जो दुकान वाले लगाए हुए हैं इनको थोड़ा साइड में बिठा के थोड़ा साइड में करके, इनका भी कारोबार बंद नहीं होना चाहिए, इनका भी कारोबार चालू रहे लेकिन साइड में इनको करके या इनकी कहीं और जगह दे के ये रोड को क्लियर किया जाए। और रोड टैक्स वाले उस वक्त तक रोड टैक्स नहीं देना 10 रुपये रोज़ाना का जब तक ये रोड पूरा बंद नहीं जाता। कोई भी हाईवे का नियम है, कोई भी टोल नाके का ये नियम है कि जब पूरा रोड बन जावे उसके बाद में तुम उसका रोड टैक्स चालू कर सकते हो टोल नाका, उसके पहले नहीं। तो ये सालों गिनती से ये रोड का काम ठप पड़ा हुआ है, जहाँ बोले वहाँ कहीं भी काम पड़ा हुआ है और हर जगह गड़े हैं और खड्डे हैं, गाड़ी निकलने का कोई रास्ता नहीं और कच्चे रास्तों से जब गाड़ी निकलती है तो फ्रूट और तरकारी जाहिर बात है कच्चा व्यापार है तो इनको मालों का नुकसान होता है। गरीब लोग बेचारे कारोबार करने वाले, अगर कोई आदमी की 10 किलो पपई ख़राब हो गई तो उसका दिन भर की आधी कमाई चली जाती है, आधी दिन की मेहनत उसकी राय गई जाती है। इस वास्ते रोड का पहले नियम अच्छा किया जाए, उसके बाद में रोड टैक्स वसूल किया जाए, पहले पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए उसके बाद में पार्किंग का पैसा वसूल किया जाए। ये मेरा सबसे मार्केट कमेटी से और इस शहर के खासदार साहब से भी अपील है और मेरी ये बात आप उन तक पहुँचाइए किसी न किसी। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल समद बागबान। अच्छा, ये थे हमारे समद बागबान साहब जो कह रहे थे कि खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरह से हर जगह औरंगाबाद शहर के विकास को देख रहे हैं, एक मरतबा जो है समीर बिल्डर साहब इम्तियाज़ जलील साहब एक बार यहाँ पर विजिट दे और ये जो बनाया गया है इतना पैसा खर्चा कर जो उसकी तरफ ध्यान दे और पार्किंग की तरफ और यहाँ के जादव मंडी की ध्यान दे। एम जे पटेल के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।